हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अपडेट्स वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं फोर इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। चारों ही दोस्तों काम की अपडेट है ओल्ड एयरड्रॉप के रिगार्डिंग, एंड हो सकता है आप में से काफ़ी सारे दोस्तों ने अभी तक इन अपडेट्स को फॉलो नहीं किया है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों, तो फ्यूचर में होने वाली अर्निंग को आप लोग हो सकता है मिस कर दें। तो जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, ये एयरड्रॉप हमें अच्छा प्रॉफिट देंगे, इनकी अपडेट्स को आप लोग जरूर फॉलो करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे फर्स्ट चैनल पर जल्दी मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करने वाला हूँ लिब्री यानी कि लाइब्रेरी के बारे में, जिसके बारे में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कुछ दोस्तों को, कुछ नहीं, काफ़ी सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने रिवॉर्ड वेरिफिकेशन को अप्रूवल नहीं दिलवा पा रहे हैं। वहाँ पर अप्रूवल उनको नहीं मिल पा रहा है, उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है रिवॉर्ड के लिए अकाउंट क्रिएट करने के बाद। तो उसके बारे में आपको मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ दोस्तों। वहाँ पर थोड़ा सा वो चेंज हो चुका है उनका वेरिफिकेशन का तरीका, तो वो मैं आपको बताऊंगा। एंड कुछ और बातें उस वीडियो में लिब्री के बारे में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। प्लस अनदर वीडियो में एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग लिब्री पर यानी कि लाइब्रेरी पर हम लोग अर्निंग कर सकते हैं डेली बेसिस पर, एक दो डॉलर की या उससे ज़्यादा की आप लोग लाइब्रेरी पर कैसे अर्न कर सकते हैं LBC टोकन को, जिस तरह से दोस्तों मैंने अर्न किया है, जिस तरह से और भी दूसरे दोस्त हैं जो हमारी कम्युनिटी के, वो लोग भी अर्निंग कर रहे हैं। तो वो सभी तरीके आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया दोस्तों, अकाउंट बना लेना। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, वैसे तो इस वाली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो थोड़ा सा आप लोग और वेट करना, उसमें आपको और अच्छे से बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं दोस्तों आज की अपडेट्स की तरफ, मैं आपको लेके चलता हूं। एंड आज की जो अपडेट है दोस्तों, यहां पर चार अपडेट कुछ इस तरह से, जिसमें एम्पलीफाई एक्सचेंज के बारे में, ग्लीक के बारे में आपके साथ में शेयर करूंगा, एंड एमिरेक्स एक्सचेंज के बारे में, एंड DSdaq के बारे में। इसमें से कुछ अपडेट तो मैं शेयर कर चुका हूँ हमारे सोशल मीडिया ग्रुप में। सबसे पहले दोस्तों एम्पलीफाई की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों सबसे पहले एम्पलीफाई का जो एयरड्रॉप चल रहा था, इनका प्री रजिस्ट्रेशन था, ये मैंने आपके साथ मार्च 23, 2019 को शेयर किया था, और इसमें 500 टोकन सभी को मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक अपडेट भी शेयर करी थी, अराउंड ये नवंबर को शेयर करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट ये थी कि सभी लोगों के पास एक मेल आया था, जितने भी लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी के पास एक मेल आया था कि वहाँ पर आपने अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है अगेन, यानी कि जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपने प्री रजिस्ट्रेशन किया था आपने अगेन रजिस्टर करना है। एंड रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको दिया था, इसके थ्रू आप लोग रजिस्टर करना, एंड रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर अपना Level 1 वेरिफिकेशन कंप्लीट करना था, जिसकी मदद से आपको यहाँ पर 500 टोकन मिलते हैं, जिसकी वैल्यू $50 वर्थ करती है, जिसकी ट्रेडिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। प्लस यहाँ पर कुछ और गुड न्यूज़ भी हैं, वो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एम्पलीफाई के ग्रुप में लेके चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इनके ग्रुप में एक अपडेट है कि इन लोगों ने अपने टोकन की सप्लाई को बर्न कर दिया है, अराउंड 67 या 66% टोटल सप्लाई में से इन्होंने बर्न कर दिए टोकन्स, जो कि अराउंड 800 मिलियन होते हैं, यानी कि 800 मिलियन टोकन इन्होंने बर्न कर दिए हैं जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। और अभी जो बचे हुए टोकन हैं इनके, वो अराउंड टोटल 400 मिलियन है, जिसका मतलब है दोस्तों अगर ये एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म करता है तो उस टोकन की वैल्यू अच्छी जा सकती है, एंड वाकई में ये हमें $50 का प्रॉफिट दे सकते हैं, या उससे ज़्यादा का, या थोड़ा बहुत कम भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट हमें दे सकता है। इसकी ट्रेडिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है, मार्च में इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, 2 मार्च से, एंड वो सभी डिटेल आप लोग यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं, इनके ग्रुप में मेंशन है। ठीक है, एडमिन से बात करके। तो मार्च में इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है, तो अभी आप लोगों ने करना क्या है, अभी दोस्तों आप लोगों ने अगर प्री रजिस्ट्रेशन किया था, और मुझे उम्मीद है कि प्री रजिस्ट्रेशन काफ़ी सारे लोगों ने किया होगा, क्योंकि उस समय क्या था, काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो को वॉच किया था, और मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादा सभी लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर प्री रजिस्ट्रेशन किया था और अभी तक आपने अपडेट को फॉलो नहीं किया है, ये वाली अपडेट को, तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप लोग अपडेट को फॉलो कर लीजिए, एंड ये प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग रजिस्टर करना अपने सेम ईमेल एड्रेस के थ्रू, एंड वो लोग जिन लोगों ने कभी भी कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनके बारे में दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ कि उन न्यू यूजर्स को यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना अपने पुराने ईमेल एड्रेस के थ्रू, ओल्ड यूजर्स के लिए, बेसिकली उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आपके मेल पर आई थिंक एक और लिंक जाएगा वेरिफिकेशन का, आप लोग वेरीफाई करके लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका लॉगिन हो जाएगा, डैशबोर्ड पर आ जाओगे, एंड उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि हम सभी के पास इससे पहले एक मेल आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी के पास भी एक इस तरह का मेल आया होगा नवंबर पर, 25th of November को, अगर आपने प्री रजिस्ट्रेशन किया था तो। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन की लिंक मिलेगी, उसके थ्रू भी आप लोग अपने अकाउंट को रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा अगर आपने प्री रजिस्ट्रेशन किया था तो। ठीक है, तो बाकी आप लोग अपने अकाउंट को, जितने भी नए यूज़र हैं वो रजिस्टर करके देख सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप लोग लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आप लोग अपनी डैशबोर्ड पर जाना, एंड दोस्तों डैशबोर्ड पर आने से पहले हो सकता है कि आपसे Level 1 वेरिफिकेशन के लिए, लाइक वहां पर आपका प्रोफाइल लिंक वेरिफिकेशन के लिए, प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए, प्रोफाइल की डिटेल्स हैं जो, वो
फिलअप करने के लिए वहां पर आपको शो करें, क्योंकि मैंने जब साइनअप किया था अगेन तो मेरे सामने भी उस तरह की डिटेल आई थी, तो मैंने वहां पर अपनी प्रोफाइल वगैरह सब अपडेट कर दी थी। आप लोग भी इस तरह से करना, अपनी यहां पर अपना लेवल वन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा, लेवल वन आपको एटलीस्ट कंप्लीट करना है, तभी आपको आपके टोकन आपके पोर्टफोलियो में शो होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद आप लोग अपनी प्रोफाइल पर चाहिएगा, अगर आपने नहीं किया है पहले तो आप लोगों ने अगर मिस कर दिया है तो आप लोग मैनुअली इसको यहाँ पर अगेन उसको फिल कर सकते हैं, लाइक अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप लोगों ने सभी डिटेल्स को फिल कर देना एंड सेव कर देना। अपना 2FA दोस्तों ज़रूर एक्टिवेट कर लेना, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब को भी कोई प्लेटफॉर्म अच्छा हो जाता है, यानी कि वो प्रॉफिटेबल होता है, प्रॉफिट देता है एयरड्रॉप यूजर्स को, तो ऐसे में स्कैमर्स भी बहुत आते हैं और अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से अपने 2FA को ज़रूर एक्टिवेट करके रखिएगा। एंड किसी भी एक्सचेंज पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर 2FA को ज़रूर लगाइए, ठीक है, इवन उसमें आपका फंड हो या नहीं हो, 2FA को आप लोग ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों बाकी ये अपडेट है इसकी रिगार्डिंग, और इसकी मैंने जैसे कि एडमिन से बात चल रही है दोस्तों, तो आफ्टर 90 डेज ऑफ पब्लिक लॉन्च, यानी कि पब्लिक लॉन्च इसका हो चुका है 3rd December को, तो आफ्टर 90 डेज हम लोग टोकन को ट्रेड कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर ये अपडेट है, इसके बाद वाली अपडेट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट वन दोस्तों यहाँ पर अपडेट है ग्लीक के बारे में। ग्लीक की दोस्तों अपडेट ये है कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि उनके वॉलेट में से उनके कॉइन्स गायब हो चुके हैं। दोस्तों ये मेरे साथ भी हुआ था कि जो भी बैलेंस था वहाँ पर सब कुछ जीरो हो चुका था, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, तो मैंने क्या किया, वॉलेट को अनइंस्टॉल किया एंड उसकी अपडेट आई है आई थिंक, तो मैंने उसको अगेन इंस्टॉल करके अगेन उसके सीड वर्ड्स डाले थे, तो सारा बैलेंस वहाँ पर प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करना, अगर आपका बैलेंस वहाँ पर बिल्कुल भी जीरो, कुछ भी नहीं दिखा रहा, सब कुछ हिडन हो चुका है, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, वॉलेट को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट ये है कि ये ला टोकन पर लिस्ट होने वाला है 6th January, यानी कि कल के दिन, तो इसकी वैल्यू दोस्तों थोड़ी बहुत उम्मीद है कि अच्छी आ सकती है। 21 मिलियन इसकी सप्लाई है और ये $2 मिलियन रेज कर चुके हैं ऑलरेडी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के थ्रू, तो पता नहीं दोस्तों एग्जैक्टली क्या है, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। सो लेट्स सी कल के दिन क्या होता है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट है ये है एमिरेक्स की। एमिरेक्स की दोस्तों अपडेट मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ हमारे ग्रुप्स में। यहाँ पर दोस्तों $9 के टोकन मिल रहे हैं, वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि इसकी टोकन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है काफ़ी दिनों से। जैसे जैसे दोस्तों ये एक्सचेंज लाइव होने पर आएगा तो उस तरह उस हिसाब से इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और इसकी सप्लाई भी कम है। तो अभी $18 टोकन मिल रहे हैं जिसकी वैल्यू $9 वर्थ कर दी करंट वैल्यू के हिसाब से। एयरड्रॉप अभी भी एक्टिव है, लास्ट डेट है दोस्तों इसकी 7th January, उससे पहले आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। एंड रिसेंट दोस्तों लास्ट अपडेट की वीडियो में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ एक दो टास्क और ऐड हुए हैं पुराने जितने भी लोगों ने एयरड्रॉप ज्वाइन किया था, और अगर न्यू टास्क कंप्लीट नहीं करें तो आपको एक भी टोकन नहीं मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग ये अपडेट भी आप लोग देख लेना। इसके बाद दोस्तों जो अपडेट है वो है DSdaq की, यानी कि OD टोकन्स यहाँ पर जो हमें मिल रहे थे, डी टोकन्स था एक्चुअली इनका नेम, OD टोकन बाद में हो गया, तो जो भी है यहाँ पर OD टोकन सभी को रिसीव हो चुके हैं DSdaq के, एंड इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो एयरड्रॉप अभी भी चल रहा है दोस्तों, ये भी जल्दी एंड होने वाला है, और इसमें करना क्या है, आप लोगों ने इन्होंने बताया है कि एक टोकन की वैल्यू $56 होगी, जिस हिसाब से दोस्तों इसकी सप्लाई है मुझे नहीं लगता इसकी $56 होगी वैल्यू सप्लाई, आई थिंक इसकी ज़्यादा कुछ ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, एवरेज है, लेकिन $56 वैल्यू होना इम्पॉसिबल, तो जो भी होगी दोस्तों 56 बोल रहे हैं तो एटलीस्ट आधा डॉलर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर 100 टोकन्स दिए जा रहे हैं, 100 टोकन्स की अगर वैल्यू आधा डॉलर भी आती है तो $50 का प्रॉफिट हमें हो सकता है। एयरड्रॉप अभी भी एक्टिव है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी चल रहा है, जिनको नहीं मिले मिल जाएंगे, जिन्होंने एयरड्रॉप नहीं ज्वाइन किया है तो अब वो अभी भी एयरड्रॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल है, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, बॉट पर रजिस्टर करना है, बॉट की जो टास्क है सिंपल से उनको कंप्लीट करना है, दैट्स इट। तो दोस्तों ये अपडेट्स हैं यहाँ पर कंप्लीट होती हैं चारों की चारों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, एंड बाकी अगर आपने प्रीवियस कुछ अपडेट्स वगैरह हैं इनमें से मिस करी हैं तो वो भी आप लोग देख लेना। रिसेंटली कॉइंस बिट की तरफ से दोस्तों मैंने 2 विड्रॉल लिए एंड दोनों ही सेकंड विड्रॉल तो दोस्तों बहुत जल्दी हो चुका था, अराउंड आधे घंटे में मुझे विड्रॉल मिल गया था, और बाकी जो पहला विड्रॉल था वो तो मैंने आपको बताया ही था फर्स्ट वीडियो में। तो बाकी आप लोगों ने अगर अभी तक विड्रॉ नहीं किया है दोस्तों, आई थिंक आप लोग देख लीजिए आपको जो भी सही लगता है, लेकिन जो भी था दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है, ट्रेडिंग चल रही है इसकी, विड्रॉ हो रहा है, बहुत से लोग स्कैम बोल रहे हैं, स्कैम नहीं है, पहले विड्रॉ करके ट्राई करिए उसके बाद स्कैम बोलना, ओके। तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में, कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, कुछ न्यू एयरड्रॉप्स के साथ। काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने आपके साथ कोई भी वीडियो फर्स्ट चैनल पर अभी तक शेयर नहीं किया है, बिकॉज ऑफ स्ट्राइक आ गई थी और थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी थी, उसके बाद अभी भी एक स्ट्राइक अभी भी दोस्तों बाकी है, लेकिन क्या है कि मैं कंटेंट अभी यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ एंड ऐसी कोई खास अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो
चलते हैं दोस्तों, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।